खबर बाड़मेर के समदड़ी से, जहां पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार लॉकडाउन में कोई भी जरूरतमंद गरीब परिवार और मजदूर बिना खाद्य सामग्री और भूखा नहीं सोना चाहिए। इस आदेश के चलते समदड़ी क्षेत्र के गांव वालू ग्राम पंचायत राखी के भौम सिंह ने मुख्यमंत्री को हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई है। वह पिछले दो दिन से न तो खाने की भोजन सामग्री है और न ही भोजन सामग्री खरीदने के लिए पैसा है। इस पर पंचायत समिति विकास अधिकारी डॉक्टर राम अवतार शर्मा, सहायक सचिव ओम प्रकाश सोनी, पंचायत प्रसार अधिकारी करनाराम पटेल और राखी सरपंच जगाराम बालूगांव परिवादी के घर पहुंचे। अधिकारियों ने खेत पर बने कुएं, प्रार्थी के घर और रसोई की वीडियोग्राफी करवाई। इसमें टीम को कुएं पर पक्का मकान और ट्यूबवेल के साथ 3 बोरी जीरा मिला। वहीं उसके घर की रसोई में पर्याप्त आटा, दाल, शक्कर, मिर्ची, तेल, दूसरे खाद्य सामग्री भी मिली। टीम ने शिकायतकर्ता भौम सिंह को झूठी शिकायत करने का कारण पूछा तो उसका कहना था कि वह खाद्य सुरक्षा योजना का फायदा लेना चाहता था। विकास अधिकारी डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने बताया कि प्रार्थी और उसकी पत्नी दोनों विकलांग हैं, इनको विकलांग पेंशन भी मिल रही है। इस पर विकास अधिकारी ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी झूठी शिकायत की गई तो एपिडेमिक डिजीज कानून में कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत प्राप्त हुई, भौम सिंह निवासी बालू ग्राम पंचायत राखी द्वारा ये शिकायत की गई थी कि मेरे घर दो दिन से खाना नहीं बना है और मेरे पास कोई खाद्य सामग्री खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में तुरंत पंचायत समिति से मेरे साथ में हमारे सहायक सचिव, पंचायत प्रसार अधिकारी और मैं स्वयं मौके पर गए। मौके पर जाकर देखा तो बिल्कुल स्थिति विपरीत पाई गई कि उसके फव्वारे चले हुए थे, मौके पर ट्यूबवेल था, पक्का मकान बना हुआ था, राशन की सामग्री रसोई में संपूर्ण और पर्याप्त पूर्ण मिली, जिसमें 2 पीपों में आटा भी मिला और दाल चावल वगैरह और शायद भमासाओं से प्राप्त किट भी वहाँ उनके उपलब्ध थे।